न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर थे और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर थे, नंबर टू की हैसियत रखते थे, लेकिन पिछले साल दोनों के बीच में विवाद हुआ। अब ये बड़ी खबर आ रही है, डीओपीटी ने सिफारिश की थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और अस्थाना समेत चार अधिकारियों को हटाया गया है। हमारे साथ श्रेया चटर्जी जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी। श्रेया, ताजा अपडेट दें कि हटाया गया है, क्या डिफरेंट पोस्टिंग भी दी है राकेश अस्थाना को? जी हाँ बिल्कुल, उन लोगों को अपने पद से हटाया नहीं गया लेकिन उन लोगों को दूसरी पोस्टिंग भी दी जाएगी। अभी डीओपीटी के तहत ये ऑर्डर आया है और जो चार अधिकारी सीबीआई ने जिनको इस पोस्टिंग से हटाया गया वो है राकेश अस्थाना, अरुण कुमार शर्मा, मनीष कुमार सिन्हा और जयंत जे नायक नागरे। ये आज ही ऑर्डर इश्यू की गई है डीओपीटी की तरफ से और इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको अपने पद से हटाया जा रहा है सीबीआई ने और इनको दूसरी पोस्टिंग दी जाएगी। देखिए, हाईकोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले राकेश अस्थाना को झटका दिया था, कहा था कि मामला रद्द नहीं होगा। ऐसे में जो अब हटाया गया है या राकेश अस्थाना की ट्रांसफर की गई है, क्या वो इमीडिएटली ज्वाइन भी कर पाएंगे और क्या ये अपने आप में पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाए? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो ये ऑर्डर डीओपीटी के तहत से आया है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नतीजे पे पहुंचने पे ही ऑर्डर आया है। लेकिन अभी सवाल जो होता है कि इनको जो नई पोस्टिंग मिलेगी उसके तहत वो तुरंत ज्वाइन करेंगे या फिर एक ट्रांसफर पीरियड रहेगा, इसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। और जो बाकी अफसर इसी डीओपीटी सर्कुलर के बाद और सिफारिश के बाद जिनको स्थानांतरित किया गया, उनके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही है श्रेया? जैसा कि मैंने कहा कि अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार शर्मा, मनीष सिन्हा और जयंत कुमार खारे, ये तीन अन्य अधिकारी भी है राकेश अस्थाना के अलावा जिनको अपने पद से हटाया गया है। और अगर माना जाए तो ये कहा जाता था कि अरुण कुमार शर्मा जो थे ये आलोक वर्मा के करीबी एड माने जाते थे और इनका भी नाम सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सिलसिले में उजागर हुआ था, लेकिन अभी जो हमने डीओपीटी का ऑर्डर देखा उसमें तीन चार अधिकारियों को सीबीआई से कटिल कर दिया गया और उनको दूसरी पोस्टिंग दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ए के शर्मा जो कि बेहद करीबी आलोक वर्मा के थे उनको भी हटाया गया, मनीष सिन्हा भी, क्या वही मनीष सिन्हा है श्रेया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कई तरह की बातें कही थी अपने पिटिशन में? जी हाँ बिल्कुल, ये वही है जिन्होंने पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा की उस पिटिशन पे, जिसके तहत हमने देखा कि उनको पहले अपने पोस्ट में वापस सुप्रीम कोर्ट में लाया था, तो उसी टाइम पे मनीष कुमार सिन्हा ने भी ऐसी पिटिशन डाली थी। तो कहीं ना कहीं इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए हम कह सकते हैं कि डीओपीटी की तरफ